नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, ऑनलाइन आ चुके हैं सभी सभी ऑनलाइन आ चुके हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी उठ जाओ जल्दी से, जूस वूस पी के, चाय वाय, नाश्ता वास्ता कर, जो भी आप करते हो सुबह सुबह के टाइम, सब तैयार होके बैठ जाया करो। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, अपन मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे और मनोविज्ञान में अपने फर्स्ट यूनिट के जो सिद्धांत है उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। कोहलबर्ग का अपना जो सिद्धांत है वो कंप्लीट हो चुका था। सभी को समझ में आया कोहलबर्ग का सिद्धांत? सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत कोहलबर्ग के सिद्धांत में? कोहलबर्ग का सिद्धांत सभी को समझ में आया ना? सभी को मजा आना चाहिए दोस्तों क्लास में। अभी तक के आप से मैं फीडबैक मांगना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि अभी तक की क्लासें आप सभी को कैसी लगी, जल्दी से बताइए। सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे? पहले वीडियो को आते ही लाइक और शेयर कर दिया करें। अभी देख रहे हैं दोस्तों, कुछ बच्चे नए जुड़े हुए हैं इस क्लास में, तो सभी ने सामान्य ज्ञान ग्रुप का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर रखा है ना? बिल्कुल कर रखा होगा दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को जो है लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको पुरानी क्लासे देखनी है, जैसे साइकोलॉजी में नए बच्चे हैं, अगर उनको पुरानी क्लासे देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए और पुरानी क्लासे देखिए, आपको सारी क्लासे इस चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, चलो। तो आज भी अपन बात करने वाले हैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो उस टॉपिक का नाम है संवेग। मैं एक वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर दोस्तों, संवेग। बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संवेगों के बारे में। बहुत से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं संवेगों के बारे में। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। सभी ऑनलाइन आ जाओ, जल्दी से ऑनलाइन आएंगे सभी। संवेग, मैंने यहां पर एक टॉपिक, एक वर्ड का नाम लिखा है संवेग। क्या होते हैं संवेग, कोई मुझे बताएगा कि संवेग क्या होता है? कोई विशेषताओं से ही अपन बात करेंगे कि विशेषताओं से कि संवेग ये होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो संवेग में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि अपन बात करने वाले हैं संवेगात्मक सिद्धांत के बारे में, जो फर्स्ट यूनिट का भाग है आपके संवेगात्मक सिद्धांत के बारे में अपन बात करने वाले हैं। लेकिन संवेगात्मक सिद्धांत पढ़ने से पहले मैं आपको संवेग के बारे में बताना चाहता हूं कि संवेग, ये संवेग होते हैं, किस प्रकार के संवेग होते हैं, संवेग कैसे आते हैं, कब आते हैं, संवेग की स्थिति क्या होती है, संवेग की विशेषताएं क्या होती है, ये अपन डिटेल से मैं आपको एक एक लाइन बताऊंगा और उसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो। सभी को क्लास लाइक कर देंगे, सभी क्लास को लाइक करेंगे पहले। ठीक है, चलो अब बात करते हैं संवेग के बारे में। मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि संवेग जन्मजात होते हैं कि अर्जित होते हैं? क्या होते हैं? जन्मजात। संवेग क्या होते हैं दोस्तों? जन्मजात होते हैं। आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि संवेग होते हैं निम्न में से, तो आप ये अर्जित नहीं किए जाते, यानी कि इनको वातावरण से प्राप्त नहीं किया जाता। मैंने आपको बताया था कि जब बालक का जन्म होता है, जैसे शिशु का जन्म होता है, क्या होता है? शिशु के जन्म के समय, अपन ने अवस्था पढ़ ली है तो आपको बिल्कुल आ जाना चाहिए। शिशु के जन्म के समय कौन सा संवेग पाया जाता है? उत्तेजना, उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, पाया जाता है। तो यानी कि जब जन्म के समय, जब शिशु का जन्म होता है उसके समय, सभी वीडियो को लाइक कर देंगे पहले, सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। जन्मजात होते हैं, क्या होते हैं? संवेग। अर्जित नहीं होते, यानी कि इनको वातावरण से या बाहर से या समाज से प्राप्त नहीं किया जाता, जबकि ये क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है संवेग क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। यानी कि शिशु के जन्म के समय उसमें कौन सा संवेग पाया जाता है, आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जो आपको याद रखना है। उत्तेजना नामक संवेग इसमें पाया जाता है, जिसका स्वरूप, जिसका स्वरूप अपन को कब दिखाई देता है? जिसका स्वरूप 2 माह बाद। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, 2 माह बाद स्पष्ट हो जाता है।
कब स्पष्ट होता है? 2 माह बाद इसका जो उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है शिशु में, उसका स्वरूप कब दिखाई देता है? 2 माह बाद दिखाई देता है। ये अपन ने जब अवस्थाएं पढ़ रहे थे, जब मैं आपसे शेष अवस्था के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर एक टॉपिक पढ़ाया था संवेगात्मक स्थिति या संवेगात्मक विकास, तो वहां पर भी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। एक बार फिर से देखेंगे, संवेग अपन एक टॉपिक लिया है अपन ने संवेग, क्योंकि अपन बात करने वाले हैं संवेगात्मक सिद्धांत की, जो किसने दिया था? विलियम मैकडूगल ने ये सिद्धांत दिया था। ये पढ़ने से पहले, सिद्धांत पढ़ने से पहले संवेग के बारे में अपन जान रहे हैं कि संवेग होता क्या है, संवेग कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात आपको याद रखनी है, संवेग अर्जित नहीं किए जाते, क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शिशु का जैसे ही जन्म होता है उसमें उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, जिसका स्वरूप या जिसका स्पष्टीकरण आपको हमको कब नजर आता है? 2 माह बाद नजर आता है। और अगर आपसे ये पूछे कि जन्म के, नोट लगाना यहां पर, जन्म के बाद 24 माह या 2 वर्ष में सभी संवेग, यानी कि जितने भी संवेग होते हैं सभी संवेग स्पष्ट नजर आ जाते हैं, यहां पर बोला मैंने 2 वर्ष यानी कि 24 माह। क्या बोला? 24 माह। यानी कि अगर बालक की बात करें, यहां पर दो तरह के क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालक में जब शिशु का जन्म होता है तब उसमें 2 माह के बाद उत्तेजना नामक जो संवेग उसमें उत्पन्न होता है वो 2 माह में स्पष्ट हो जाता है, नजर आ जाता है। जबकि जितने भी प्रकार के संवेग रहते हैं, अलग अलग प्रकार के संवेग रहते हैं, जैसे क्रोध आना संवेग है, प्रेम करना संवेग है, ईर्ष्या करना संवेग है, घृणा करना संवेग है, ये सारे संवेग जो किन के कारण आते हैं? मूल मूल प्रवृत्तियों के कारण स्पष्ट हो जाते हैं। तो ये संवेग जो है 2 वर्ष के यानी कि 24 माह के बालक में सभी प्रकार के संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, इस लाइन का मतलब यह है। यानी कि 24 माह में शिशु में जितने भी प्रकार के संवेग होते हैं वो सब आपको क्या नजर आ जाएंगे? स्पष्ट रूप से नजर आ जाते हैं, यानी कि उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है कि नहीं है? यहां तक सभी को क्लियर है? कोई बात ऐसी जो समझ में नहीं आ रही हो अभी तक इसमें? बिल्कुल बताइए, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही जल्दी से बताइए। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे बात करते हैं संवेग के बारे में। संवेग क्या होते हैं? पहली बात, एक एक लाइन लेके मैं आपको एक एक लाइन लेके लिखाऊंगा और उसमें समझा दूंगा, ठीक है, जिसमें आपको पूरी लाइफ के लिए संवेग क्लियर हो जाएंगे कि संवेग ऐसे होते हैं। कभी आप ये नहीं पूछोगे दूसरों से, क्या तेरे संवेग कैसे, मेरे संवेग कैसे, कभी नहीं पूछोगे। ठीक है, एक लाइन लिखता हूं मैं, संवेग अचानक आते हैं। संवेग अचानक उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं। क्या लिखा है यहां पर मैंने? अचानक। क्या लिखा? अचानक। समझना अचानक का मतलब क्या होता है, दोस्तों को समझ में आ गया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको सभी को समझ में आया तालियां बजाओ, तालियां बजनी चाहिए क्लास में। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा क्लास में? मजा आ रहा है ना क्लास में? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हो सकता है इसमें से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो संवेग से रिलेटेड रहते हैं या संवेगात्मक सिद्धांत से रिलेटेड रहते हैं। 2 दिन की क्लास लगेगी संवेग के बारे में, आज की क्लास लगेगी, आज की क्लास में छोटी लूंगा क्योंकि काफी ज्यादा आज टाइम कम है मेरे पास, तो क्लास कम रखेंगे आज, ज्यादा कम भी नहीं रखूंगा, डरो नहीं आप। तो संवेग की 2 क्लास रखूंगा मैं, आज की क्लास और कल की क्लास, दोनों दिन अपन संवेग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर बोला संवेग अचानक उत्पन्न होते, अचानक का मतलब ये होता है कि कभी भी संवेग अपने स्वरूप से स्पष्ट नजर नहीं आते, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि संवेग अभी उत्पन्न नहीं हो सकता है इसमें, बिल्कुल हो सकता है उसमें। मान लो आपने देखे होंगे कि कब प्रेम करने लग जाता है बालक और किसी क्षणिक क्रोध करने लग जाता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि संवेग अचानक उत्पन्न होते, किशोर अवस्था का मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो कि मैंने आपको बताया था वहां पर कि जैसे मान लो कोई ब्रदर है और कोई सिस्टर है, दोनों आपस में लड़ जाते हैं और अचानक आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, तो आप लड़ चुके हो पहले, यानी कि दोनों क्या कर रहे हो? एक दूसरे पर क्रोध कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, यानी कि दोनों लड़े हुए हो, तो वहां पर प्रेम नहीं था ना? नहीं था बिल्कुल। लेकिन आपके घर पे जैसे ही गेस्ट आ जाते हैं तो गेस्ट, आप जाते हो, गेट खोलते हो, बाहर देखते हो, अरे मामा जी आ गए, तो आप मामा जी के सामने, अच्छा अच्छा मामा जी आ गए क्या आप,
आपके चेहरे पे एक मुस्कान नजर आ जाती। तो बिल्कुल संवेग अचानक आ गए, वहां पर लड़ाई करी आपने, संवेग वहां पर अचानक आ गए, यहां पर संवेग बदल दिए, यानी कि बदलने की प्रकृति को बोलते हैं। संवेग कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। एक दोनों एक साथ चल लेंगे फिर। संवेग क्या होते हैं? संवेग लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले। लचीले का मतलब क्या बोला मैंने कि संवेग अपने आप परिवर्तित होते थे, बहुत जल्दी बदल जाते हैं। पहले बच्चा, दोनों भाई बहन क्रोध कर रहे थे, मामा जी आ गए। अच्छा मामा जी आ गए क्या? कितने? देखो प्रेम में बदल गया। फिर जैसे ही अंदर लेके आएगा, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता चाय पानी वगैरह लेके आता हूँ। इतने बेटे का रसोई में जाएगा, मैंने आपको बताया था रसोई में जाएगा, उसकी बहन नजर आ जाएगी। तू तो बात ही मत कर मुझसे, बहन पूछेगी नहीं कौन आया, तेरे क्या मतलब उससे, हाँ मुझसे बात मत कर, यहाँ से निकल जा। तो वो क्रोध करने लग गया वापस। संवेग क्या होते हैं? लचीले होते हैं। यानी कि पहले क्रोध, फिर प्रेम, फिर वापस क्रोध। कैसे हो गए? लचीले हो गए। और अचानक आते हैं संवेग, यानी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको क्रोध आ जाएगा, फिर क्रोध कुछ क्षण बाद खत्म भी हो जाएगा, कब आप उसी व्यक्ति से वापस प्रेम करने लग जाते हो। बहुत से देखे होंगे आपने, सभी करते हैं वैसे बहुत से। क्या दुनिया का हर एक जो जीव प्राणी है, जो भी मनुष्य है, वो सब क्या करते हैं? अपने संवेग अचानक से उत्पन्न करते हैं। टीचर को देखा होगा आपने, टीचर पढ़ा रहते हैं, बच्चे से बहुत प्यार से बात कर लेते हैं। जैसे टीचर प्यार से बात करते हैं बच्चों से, और बच्चे अगर कोई ज्यादा बात हरकतें कर देते हैं तो टीचर डांटने लग जाते हैं, और टीचर प्यार से, और रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं, कितने जल्दी से संवेग परिवर्तन हो जाते हैं, चुप हो जाता है बालक, चुप हो जाता है, वो बदल गए संवेग। संवेग क्या होते हैं? अचानक हो जाते हैं। लचीले होते हैं। लचीले का मतलब बहुत जल्दी, मतलब इतने टाइट नहीं होते कि आज अगर मुझे क्रोध आ रहा है तो 10 साल तक वो क्रोध टिकने वाला है। लचीले का मतलब ये, आज मैंने प्रेम किया है तो 10 साल तक मैं इससे प्रेम कराऊंगा, 10 साल तक मैं इससे ईर्ष्या कराऊंगा, मेरे अंदर ईर्ष्या भरी हुई है। नहीं, आप बदलोगे बार बार, लचीले होते हैं बिल्कुल। और संवेग अचानक का मतलब अचानक एकदम से आते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको? अचानक का मतलब यानी कि एकदम से आते हैं, लचीले मतलब बदलते रहते हैं, इनकी स्थिति परिवर्तन होती रहती है, बहुत लचीले होते हैं ये। कभी क्रोध, कभी ईर्ष्या, कभी घृणा, कभी प्रेम, वापस फिर प्रेम, फिर घृणा, फिर ईर्ष्या, फिर क्रोध, कभी सब कुछ बदलते, बार बार बदलते रहते हैं, ये होते हैं लचीले। सभी को समझ में आई ये दोनों लाइनें? दोनों लाइनें ये छोटी लाइनें हैं, लेकिन इससे आपका संवेग कंप्लीट हो रहा है, इससे आपका एक टॉपिक क्लियर हो रहा है। इसको आपकी जो लाइफ टाइम की जो आपकी प्रॉब्लम है संवेगों को लेकर, किसी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है वो नहीं समझ पाते, तो वो चीजें क्लियर हो गई। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो इसके बाद बात करेंगे, संवेग क्या हो जाते हैं? मनोशारीरिक होते हैं। संवेग मनो शारीरिक होते हैं। क्या होते हैं? मनोशारीरिक होते हैं। मनोशारीरिक का मतलब मनोवैज्ञानिक प्लस शारीरिक। मनोशारीरिक, मनो का मतलब मनोवैज्ञानिक, मनो वैज्ञानिक प्लस शारीरिक। इसका मतलब समझना क्या होता है? यहां पर बोला मैंने, आपसे पूछा जा सकता है कि संवेग कैसे होते हैं, वो ऑप्शन में दे सकता है, शारीरिक होते हैं, वास्तविक होते हैं, वातावरणीय होते हैं, या फिर मनोशारीरिक होते हैं। यानी कि संवेग आपके जब भी आएगा, जैसे क्रोध एकमात्र संवेग आपको आया, तो दोस्तों आपके शरीर से स्पष्ट हो जाएगा। कैसे स्पष्ट हो जाएगा? कि आपकी नाक लाल हो जाएगी, आपको क्रोध आएगा, आपका पूरा चेहरा लाल नजर आएगा, आपके रोंगटे खड़े रहेंगे, आपके कान बड़े बड़े से लगेंगे। तो ये बिल्कुल उसका स्वरूप देखकर, आपके व्यक्ति का स्वरूप देखकर आप बता सकते हो कि इसको क्रोध आ रहा है। फिर वो बोलता है नहीं मुझे नहीं आ रहा, फिर आपको 10 बार बोलोगे नहीं मुझे नहीं आ रहा, फिर वो और ज्यादा स्पष्ट करेगा उनको। यानी कि संवेग शरीर से प्रदर्शन किए जा सकते हैं। आपने बताया होगा कि जब आपको डर लगता है, भय लगता है, तो आपके शरीर से पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? कि पेट में खड्डा आपको लगने लग जाता है, डर लगता है तो पेट में खड्डा लगता है कि हाँ पेट, मेरा पेट पता नहीं खाली पेट हो रहा है, जैसे मैंने कुछ खाया ही नहीं हूँ। भय लगता है दोस्तों तो बिल्कुल आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, मोटी होने लग जाती है अपने आप। तो बिल्कुल आप मनोशारीरिक बोल सकते हैं संवेगों को। प्रेम आता है आपको तो बिल्कुल आपका जो चेहरा है ना, उससे नजर आ जाता है कि ये कितना प्रेम करता है मुझसे, मुझसे कितना खुश है। मेरे पास बेटा है, अगर मुझसे बात कर रहा है तो मेरी बातों से कितना खुश नजर आ रहा है, ये आप उसके संवेगों को देखकर बता सकते हो। आपने इंटरव्यू देखे, कभी इंटरव्यू लिए हैं तो आपको पता है वहां पर क्या बोलते हैं सबसे ज्यादा? वो एक ही बात बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस 100% रहना चाहिए आपका। अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है लो रहेगा तो आपका इंटरव्यू सक्सेस नहीं हो पाएगा, या फिर आप फेल हो जाओगे। ये कारण रहते हैं वहां पर संवेग, यानी कि
एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ कि लाइफ में अगर आपको कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है या पास करना है तो संवेगात्मक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए दोस्तों? मजबूत होनी चाहिए संवेगात्मक स्थिति। ऐसा नहीं दोस्तों आप हॉल में बैठे हो, एग्जाम दे रहे हो और आपका जो है एग्जाम पेपर तो वहां है और ध्यान अमेरिका में, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप घर से निकले हो एग्जाम देने के लिए और पड़ोस से कोई मतभेद हो जाता है आपका और आप एग्जाम देने चले जाते हो और एग्जाम दे रहे हो और उस पड़ोसी के बारे में सोच रहे हो कि पड़ोस से मैंने ऐसा बोल दिया, क्यों बोला, उसको नहीं बोलना चाहिए था, मेरी गलती नहीं थी, मैंने नहीं बोला, तो बिल्कुल आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, आप एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। ये मैं वो आपको वो चीज बता रहा हूं जो मैं फेलियर हो चुका हूं इस चीजों से। इसीलिए दोस्तों जब भी एग्जाम देने जाओ तो अपनी संवेगात्मक स्थिति जो है मजबूत कर लेना, इसको गिरने मत देना। अगर संवेगात्मक स्थिति आपकी कमजोर है और आपने इस पर कंट्रोल नहीं किया हुआ है तो आपका एग्जाम बिगड़ने वाला है। ये एक बात क्लियर लेके चलो, मान के चलो इसको। सारी चीजें एक तरफ है और संवेगात्मक स्थिति एक तरफ है। मनोशारीरिक यानी कि आपकी हेल्थ पे डिपेंड करता है आपका एग्जाम, कि आपका एग्जाम कैसे। एक बार मैंने क्लास में पहले भी बोला था कि आपका सेंटर अगर बाहर आ जाता है कहीं पर, जैसे आपका रीट का एग्जाम होगा और आपका सेंटर कहीं बाहर आ जाता है तो आपको संवेगात्मक स्थिति मजबूत कर लेनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये 4 बजे उठ लेंगे, निकल लेंगे, 10 बजे पेपर है, 10 घंटे का रास्ता है, सफर कर लेंगे। नहीं, फिर आपका डगमगा जाएगा शरीर, मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी वहां पर। फिर आप पता नहीं क्या क्या सोचोगे, अरे यार मेरे तो 800 रुपये लग गए, एक एक जने का खर्चा 800 रुपये आया है, एग्जाम में आप देते थे तो यही सोचोगे, मुझे पता है। तो आप ऐसी कंडीशन होने मत देना, ऐसी शोई मत होना उस चीज को कि आपके साथ ऐसी परिस्थितियां बन जाए। क्लियर है, सभी को समझ में आई ये चीज? यही बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो संवेग होते हैं वो मनोशारीरिक होते हैं, यानी कि शरीर से स्पष्ट हो जाते हैं। आप ईर्ष्या कर रहे हो किसी से तो बिल्कुल आपकी नजरों से पता चल जाएगा कि यार ये इस बालक से इसकी तरफ घृणा कर रहा है, ईर्ष्या करता है, इसको देख रहा है, पसंद नहीं करता, तो वो बता सकता है इसे कि ये ईर्ष्या कर रहा है। अपन बोलते भी है ना ऐसा कि यार मेरे से ईर्ष्या करता है, ये जलता है मुझसे, तो यह कि मैंने उसकी मन की बात थोड़ी ना जानी, उसके मुझके वास्तविक स्वरूप से ही पता चल गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? कैसे होते हैं मनोवैज्ञानिक, या तो मन की स्थिति से पता चल जाएगा या शारीर की यानी कि शरीर की स्थिति से पता चल जाएगा। अभी आगे और लिखा दूंगा मैं आपको, सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सभी को एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर है? आगे बढ़े, सभी नए दोस्त जो आए उनको सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लियर? आप लिख लो आप इसको, सभी को ये मैटर समझ में आ गया? चलो लिख लो, आगे बढ़ते हैं। फिर मिटा दूं दोस्तों? चलो और बात करते हैं संवेग के बारे में। संवेग क्या है? इसके बाद बात करेंगे कि संसार के प्रत्येक जीव में संवेग पाए जाते हैं, संवेग पाए जाते हैं। ये बात समझाने के लिए मुझे बताओ, प्रत्येक जीव का मतलब निर्जीव सजीव, ये प्रत्येक जीव है क्या? अरे नहीं भाई, ये प्रत्येक जीव नहीं होते, निर्जीव सजीव ये प्रत्येक जीव नहीं, जिसमें जीव होता है यानी कि जिसने जन्म लिया है और जो मरेगा वो होता है प्रत्येक जीव। ठीक है, यानी कि जितने भी इस संसार में प्रत्येक जीव है उनमें क्या पाए जाते हैं? संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ते को पालते हैं तो वो प्रेम भी करता है। ये चीज समझाने की नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस लाइन को मुझे समझाने की जरूरत है। किसी को कोई ये लाइन समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है ना, आगे बढ़ूं? चलो इसके बाद बात करते हैं कि प्रत्येक अवस्था में बालक की, मनुष्य की बोलते हैं अपन, मनुष्य की प्रत्येक अवस्था में संवेग
मनुष्य की प्रत्येक अवस्था में संवेग, संवेग या संवेगों का रूप भिन्न भिन्न होता है। क्या मतलब है इस लाइन का, जल्दी से बताओ क्या मतलब है इस लाइन का। इस लाइन का मतलब मनुष्य के प्रत्येक अवस्था में, यानी कि अपन अवस्था की बात कर रहे हैं, या प्रत्येक अवस्था में, मनुष्य भी मत पढ़ो, प्रत्येक अवस्था यानी कि शैशव अवस्था, किशोर अवस्था, बाल्य अवस्था, प्रत्येक अवस्था में जो संवेगों का रूप होता है वो भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न का मतलब यहां पर यह हुआ कि संवेगों का रूप, भिन्न भिन्न का मतलब ये हुआ कि अगर बालक शैशव अवस्था में क्रोध करेगा तो वो अलग क्रोध करेगा, बाल्यावस्था में क्रोध उससे अलग है, फिर किशोर अवस्था में इतना क्रोध है कि वो किसी का मर्डर भी कर सकता है, शैशव अवस्था में प्रेम इतना है कि वो अपनी माता से प्रेम करेगा, दूसरे से नहीं करेगा, बाल्यावस्था में इतना प्रेम है कि वो अपने दोस्तों से प्रेम करेगा, अपने विषम लिंगी से प्रेम नहीं करेगा, किशोर अवस्था का प्रेम ऐसा है कि प्रेम के लिए अपने माता पिता की भी हत्या कर देगा, ये होता है प्रेम। यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और शेष अवस्था, इसमें जो संवेगों का रूप होता है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी कि उनका जो स्पष्टीकरण करेंगे वो, या फिर इनको जो दिखाएंगे सामने वालों का, वो तरीका ही भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करेंगे। संवेगों का प्रदर्शन अलग अलग होता है हर एक अवस्था में, शेष अवस्था में प्रदर्शन अलग है, तो बाल्यावस्था में अलग है, तो फिर किसमें, किशोर अवस्था में अलग है। यानी कि संवेगों का क्या हो रहा है यहाँ पर, विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। स्पष्ट होना अलग है, मैंने आपको बताया कि 24 माह में सभी संवेग स्पष्ट रूप से नजर आ जाते हैं, बिल्कुल नजर आ जाते हैं, लेकिन संवेगों का विकास धीरे धीरे होता है। क्रोध शेष अवस्था में भी आता है, लेकिन बाल्यावस्था में अलग तरह का आता है, फिर शेष अवस्था में बहुत ज्यादा आ जाता है। शेष अवस्था में, किशोर अवस्था में जो क्रोध आएगा तो वो लंबे समय तक याद रखता है कि मुझे इससे लड़ाई थी, मैं इससे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगा। क्या शेष अवस्था में ऐसा करता है? किशोर अवस्था का बालक जो प्रेम करता है वो ऐसा प्रेम करता है कि बस जन्मों जन्मों तक का प्रेम, 7 जन्मों का प्रेम निभा लेता है, तारे जमीन के पता नहीं कहां पर ले जाने की बातें करता है। तो संवेग अलग अलग होते हैं हर एक अवस्था में। इतना डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं है क्या मुझे? अरे इतना बताया मैंने आपको, समझ में आया सभी को? समझ में आ जाना चाहिए। एक ही लाइन बोलूंगा, एक ही लाइन लिखूंगा, बहुत सारी बातें छिपी हुई है इसमें, एग्जाम में किसी भी प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे संवेगों का स्थानांतरण किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, संवेगों का स्थानांतरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, वो लचीले वाली जो बात बताई थी ना, वही बात यहाँ पर एक जैसी है। स्थानांतरण का मतलब बिल्कुल बदला जा सकता है। एक बार लाइफ में क्रोध आ गया तो ऐसा नहीं है कि वो मरेगा नहीं जब तक क्रोध ही क्रोध रहेगा, उसको स्थानांतरण भी कर देगा, सामने वाले को बदल देगा, यानी कि अपना जो क्रोध है वो सामने वाले को उतार के दोस्तों स्थानांतरण कर देगा, यानी कि संवेगों का स्थानांतरण किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है संवेग, यानी कि बदला जा सकता है संवेगों को, ठीक है। ये चीज इतनी डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्ड में लिखा हुआ है कि संवेगों का स्थानांतरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। सभी सभी को समझ में आया? इसके बाद बात करें अपन कि संवेग नष्ट हो जाते हैं क्या, बताइए मुझे, संवेग नष्ट हो जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, यानी कि संवेगों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि आप संवेगों को कभी खत्म नहीं कर सकते, आपके अंदर हमेशा संवेग रहेंगे, बस ये एक सिचुएशन के अनुसार बाहर इनका रूप आ जाता है। जैसे आप सिचुएशन देखते हैं, कोई कंडीशन देखते हैं और संवेग बाहर आ जाएंगे, आपने कोई चीज देखी उसके अनुसार आपके संवेग बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई, सभी को समझ में आई, क्लियर है? अब आगे हो तो आप इसको लिख लीजिए, फिर 2-3 बातें और बताते हैं। मिटा दूं? चलिए
अब बात करते हैं और के संवेग और कैसे होते हैं। सभी को क्लास समझ में आ रही है? सभी को मजा आ रहा है क्लास में? आपके जो हमेशा डाउट रहती है वही चीजें मैं लेके आता हूं आपके पास, ठीक है? मुझे पता है संवेग सब जानते हैं कैसे होते हैं, सबको पता है, लेकिन इनका जो स्पष्टीकरण आप जो कर रहे हैं आज क्लास में वो आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है? अब बात करते हैं संवेग, संवेग लिंगीय विभेद करते हैं। क्या करते हैं? लिंगीय विभेद करते हैं। लिंगीय विभेद का मतलब क्या होता है कि ये हर लिंग यानी कि लड़कियों में संवेग जो आते हैं उनकी भिन्न भिन्न प्रकार से आते हैं, यानी कि लड़कों में संवेग अलग आएंगे और लड़कियों में। क्रोध का मतलब, जैसे मान लो मैंने एक ये लड़की ली, संवेग लिंगीय विभेद करते हैं यानी कि हर अवस्था में, हर अवस्था में लिंग के अनुसार, लिंग के अनुसार संवेग भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अनुसार ये बोलना ये चाह रहा है कि जैसे संवेग होते हैं लिंगीय विभेद करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। संवेग क्या करते हैं? लिंगीय विभेद करते हैं। आपसे व्यवहारिक रूप से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, एक बार एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। जब अपन टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे ना तब वो आपको वहां पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा, ये वाला दो तीन बार पूछा गया है वो अलग अलग प्रकार से, इसमें से क्या असत्य है, इनमें से क्या सत्य है, तो उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन। तो ये जो संवेग वाले क्वेश्चन है ये आपसे इसी तरह से पूछे जाएंगे, मनोशारीरिक होते हैं या नहीं होते हैं। उसमें पूछ लेगा वो इस तरह के क्वेश्चन कि आपसे पूछेगा कि निम्न में से सही क्या है, निम्न में से गलत क्या है, निम्न में से नहीं है, निम्न में से है, इस तरह के। यहाँ पर बोल रहा हूं मैं संवेग लिंगीय विभेद करते हैं, बिल्कुल लिंगीय विभेद करते हैं। इसका मतलब होता है कि हर एक अवस्था में लड़की और लड़के के संवेग अलग अलग होते हैं। एक पर्टिकुलर अपन बात करें क्रोध के बारे में, तो क्रोध लड़की को भी आता है लड़के को भी आता है, लेकिन दोनों का विभेद अलग अलग है। लड़की को क्रोध आता है कि वो इतना ज्यादा दिखाई नहीं देता, स्पष्ट स्वरूप नहीं नजर आता, वो इतना चिल्ला चिल्ला कर इतना क्रोधित नहीं होती है कि सामने वाला देखकर घबरा के भाग जाए। जबकि लड़के को जो क्रोध आता है ना वो इतना जबरदस्त तरीके से क्रोध आता है कि उसका चेहरा तो पूरा लाल हो जाता है, और लाल होने के बाद अब आप मत बोलना कि यहाँ दुर्गा माता का क्रोध नहीं देखा, कि आपने काली माता का क्रोध नहीं देखा, कि तो भगवान है वो, तो फिर आपने भोलेनाथ का भी क्रोध देखा होगा, विष्णु भगवान का भी क्रोध देखा होगा, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी क्रोध देखा होगा आपने, बिल्कुल अलग अलग है। यानी कि क्रोध क्या, संवेग क्या करते हैं? लिंगीय विभेद करते हैं। हर एक प्राणी में जो लिंगीय यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि लड़के और लड़की में जो क्रोध होता है वो अलग अलग नजर आएगा, प्रेम है वो अलग अलग नजर आ जाएगा। तो आज से कोई भी ये बोलेगा कि मैं जितना प्रेम करती हूँ वो तुम नहीं करते हो, तो बिल्कुल समझा देना उनको ये बात कि संवेग क्या करते हैं? लिंगीय विभेद करते हैं। हो सकता है मैं तेरे जितना प्रेम में नहीं करता हूँ तुझसे, क्योंकि लिंगीय विभेद होते हैं। क्या होते हैं? लिंगीय विभेद करते हैं संवेग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करें, सभी को समझ में आ रहा है क्लास, ये लाइन सभी को समझ में आई? इसके बाद बात करें संवेगों का संबंध किससे होता है। संवेगों का संबंध भावना से होता है, यानी कि भावनात्मक होता है, भावनात्मक होता है, किससे होता है? भावनात्मक यानी कि फीलिंग से होता है, यानी कि संवेग क्या है? फीलिंग है, भावनात्मक है, ठीक है, क्लियर है? इसको समझाने की जरूरत है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं समझाऊंगा, तुम कहोगे तब भी नहीं समझाऊंगा। ये वाली चीज सबको आ जानी चाहिए, इतनी छोटी छोटी चीजें आपको आ जानी चाहिए। इतनी बार मैंने बता चुका हूं मैं ये सारी चीज, इतनी बार बोल चुका हूं चिल्ला चिल्ला कर आपकी क्लासों में कि आपको अब तो डायरेक्ट आ जाना चाहिए ये सब, ठीक है। इसके बाद बात करें, इसके बाद बात करें अपन की संवेग कभी कभी, संवेग कभी कभी, कभी कभी हमारी या अपनी रक्षा भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं। क्या करते हैं? रक्षा भी करते हैं।
यानी कि संवेग। जैसे मान लो भय आया, आपने सामने भूत को देख लिया और आपको भय लगा, भय संवेग आया, तो भय के कारण आप क्या करोगे, वहां से भाग जाओगे, तो आपकी रक्षा की या नहीं की, ठीक है क्या ही ना। आपको क्रोध आया, किसी ऐसे व्यक्ति पर क्रोध आया जिसको आपको लग रहा था कि क्रोध आने से पूरा मामला ही खत्म हो रहा था यहाँ पर, तो बिल्कुल आपका फायदा हुआ नहीं हुआ, यानी कि रक्षा सुरक्षा भी करते हैं, ठीक है। मान लो कोई लड़ाई हो रही है, एक आदमी के झुकने से या एक आदमी के माफी मांगने से, प्रेम करने से, उस सारी बातों को, क्रोध को बुलाने से, अगर मान लो सब कुछ परिवार एकजुट हो रहा है, एक संभल रहा है, तो रक्षा सुरक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यानी कि संवेग क्या होते हैं, कभी कभी अपनी रक्षा सुरक्षा भी करते हैं, क्या करते हैं, रक्षा सुरक्षा भी करते हैं। क्लियर है ये चीज, समझ में आया आप सभी को, सभी को समझ में आ रहा है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखना है यहां पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि संवेग किसके कारण उत्पन्न होते हैं। संवेग क्वेश्चन है ये, संवेग किनके कारण, किनके कारण उत्पन्न होते हैं, यानी कि ऐसा कौन है जो संवेग को उत्पन्न कर देता है। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति। जैसे एक ही मूल प्रवृत्ति आपको बताऊंगा अभी, मूल प्रवृत्ति पूरा एक टॉपिक आने वाला है, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। संवेग जो उत्पन्न होते हैं वो इसका कारण होता है, मूल प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे भग्नाशा क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है, जबकि भय क्या है, एक संवेग है। भय संवेग, इसमें मूल प्रवृत्ति कौन सी आएगी, भग्नाशा। कैसे, कि अगर आपको भय लगता है तो आप वहां से क्या करोगे, भागोगे, ठीक है, क्या भागोगे, वहां से भाग जाओगे। क्रोध क्या है, एक संवेग है, लेकिन क्रोध में क्या होता है, क्रोध कब आना चाहिए, मतलब क्रोध में, क्रोध जो मूल प्रवृत्ति है, संवेग है, उसमें मूल प्रवृत्ति कौन सी आएगी क्रोध में, बताइए मुझे, मैंने आपको बताया था उस टाइम भी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए मुझे, सभी के आंसर आना चाहिए। क्रोध कब लगता है, यानी कि किसके कारण क्रोध लगेगा, किसके कारण संवेग क्रोध में आएगा, इसका मूल प्रवृत्ति होती है युद्ध प्रियता, यानी कि युद्ध प्रेम। आप लड़ाई में मजा आएगा तभी तो क्रोध का फायदा मिलेगा आपको, आप तो लड़ाई करने जा रहे हो और आपके मन में तो अंदर ही अंदर है ना, आपको प्रेम भरा पड़ा है, तो वहां लड़ाई करने का मजा आएगा क्या, लड़ाई करने का, क्रोध करने का मजा कब आएगा, जब युद्ध प्रियता होगी, क्या होगी, युद्ध प्रियता। यानी कि जो संवेग किनके कारण उत्पन्न होते हैं, मूल प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। मैं आपको मूल प्रवृत्ति प्लस संवेगों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे जो मूल प्रवृत्तियों से उत्पन्न हो रहे थे। किसके कारण उत्पन्न हो रहे थे, मूल प्रवृत्तियों के कारण उत्पन्न हो रहे थे। 14 प्रकार के संवेग होते हैं किसके अनुसार, विलियम मैकडूगल के अनुसार। और एक अलग मनोवैज्ञानिक आते हैं वुडवर्थ, वुडवर्थ ने ऐसा बोला था कि 14 प्रकार के मनोवैज्ञानिक संवेग नहीं होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 24 प्रकार के संवेग होते हैं। अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग संवेगों के प्रकार बताए गए, लेकिन सबसे बेस्ट हम बेस्ट किसके बताए, मैं विलियम मैकडूगल के बताए, जो 14 प्रकार के थे, वो मैं आगे बताऊंगा जब मूल प्रवृत्ति अपन पढ़ेंगे। इनके कारण, मूल प्रवृत्ति के कारण क्या उत्पन्न होते हैं, संवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, भावनात्मक होते हैं, कैसे होते हैं, भावनात्मक। लिंगीय विभेद करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इस चीज को, भूलना नहीं। संवेग कभी कभी अपनी क्या करते हैं, रक्षा सुरक्षा भी करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हुई, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिटा दूं, चलो। अब एक चीज, छोटी सी चीज, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे, ध्यान रखना इस चीज को, क्या बोल रहा हूं मैं, कि संवेग जब उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं, उत्पन्न हुए, संवेग आ गए, उत्पन्न हो गए, तो अब क्या होंगे, इसमें कौन से परिवर्तन होंगे, शारीरिक परिवर्तन होंगे। क्या होंगे दोस्तों, शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन होंगे। क्या होंगे, शारीरिक परिवर्तन होंगे। संवेग आ गए, उत्पन्न हो गए, जैसे आपको संवेग आया, पहला क्रोध या फिर प्रेम आया, उत्पन्न हो गया आपके प्रेम। अब शारीरिक परिवर्तन कौन सा होगा, तो अलग अलग संवेग सभी के एक साथ बता देता हूं कैसे कैसे होते हैं। जैसे पसीना आने लग जाता है, क्या आ जाता है, पसीना आने लग जाता है, संवेग होते हैं उत्पन्न, तो पसीना आता है,
डर लगता है उसको तो हकलाने लग जाता है, हकलाने लगता है, पसीना आता है, हकलाने लग जाता है, इसके बाद तुतलाने लग जाता है, तुतलाने भी लग जाता है। ये शारीरिक परिवर्तन बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूं, शारीरिक परिवर्तन। आपको मुझे पता है सारी चीजें याद है, लेकिन लिखाना मेरा फर्ज है, बताना मेरा कर्तव्य है। मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हट सकता। मुझे पता है संवेग आप सभी जानते थे, मुझे पता है सारी चीजें आपको पता थी, लेकिन फिर भी बताया। आप कुछ समझे ना, इससे नई चीज आपको जानने को मिली, ऐसा भी हो सकता है। हर बार आप पढ़ोगे ना किसी भी टीचर से, तो आपको नया चीज जरूर सीखने को मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपने वहां से नई चीज नहीं देखी हो, ठीक है। ऐसा देखो, शारीरिक परिवर्तन तो और क्या होते हैं, हृदय की गति बढ़ जाती है, हृदय की गति, या फिर धड़कन बढ़ जाती है। इसके बाद क्या होता है, और इसके बाद नहीं मतलब और क्या क्या होता है, पेट में खड्डा पड़ जाता है, इसके बाद और क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये शारीरिक परिवर्तन बता रहा हूं जो आपको याद होते हैं। चेहरा लाल हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, संवेग उत्पन्न होते हैं तब। इसके बाद और क्या होता है, नाक भी लाल हो जाती है, नाक लाल हो जाती है, एक ही बात है, वो हो जाती है। और क्या क्या हो जाता है, और बात करें, कान गर्म हो जाते हैं, आपने देखे होंगे ना, कान गर्म हो जाते हैं जब क्रोध आता है तो, गर्म हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कान भी गर्म हो जाते हैं, शरीर में कंपन हो जाता है। और नवा दसवा देखो, शरीर में कंपन हो जाता है, कंपन हो जाता है, क्या हो जाता है, शरीर में कंपन हो जाता है, पेट में, मतलब ये जो पेट में खड्डा पड़ता है ना, ये पेट में डूबने जैसी, आपने झूले में देखा होगा, आपने वो कोई चक्री वाले झूले में बैठा है कोई, सभी बैठे होंगे बिल्कुल। मेले अभी तो मेले खत्म हो गए, मेले वेले सब बंद है, अब कोई भी पिकनिक स्थल पे नहीं जाएगा, मेले में नहीं जाएगा, सब बंद कर दिए गवर्नमेंट ने, कल ही पेपर में आ गया था आज ही, तो सब बंद कर दिए वो, ठीक है। तो आपने वो गोल वाला झूला देखा, सभी ने मेले में देखा, उसमें बैठना आप, जब वो झूला ऊपर से नीचे आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पेट में डूबने की जैसे हरकतें हो रही है, तो वो कारण होता है क्योंकि वहां पर संवेग उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, संवेग, डर की भावना, यानी कि आपको डर लगता है वहां पर। जब डर लगता है ना, तो पेट में डूबने जैसे ऐसा लगता है कि आपको गिरने वाले हैं, क्या लगता है कि गिरने वाले हैं, ठीक है। और क्या होता है, आंखों का चौड़ा होना, आंखों का चौड़ा होना, ये ऐसी वगैरह वगैरह, अब ज्यादा लिखाने की जरूरत नहीं, बहुत सारा लिखा दिया मैंने वैसे भी, ठीक है। चलो, ये संवेग यानी कि आपका कोई भी प्रकार का संवेग उत्पन्न हुआ, प्रेम हुआ, ईर्ष्या हुआ, क्रोध हुई, घृणा उत्पन्न हुई, कोई भी संवेग, एक संवेग उत्पन्न हो गया, उत्पन्न हुआ तो इसमें शारीरिक परिवर्तन, क्योंकि ये मनोशारीरिक होते हैं, शरीर से स्पष्ट नजर आ जाता है क्रोध का, तो इसमें कैसे कैसे पता चलेगा कि पसीना आ जाता है, हकलाने लग जाता है, तुतलाने लग जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, शरीर में कंपन हो जाता है, आंखों का चौड़ा होना, पेट में खड्डा जैसा पड़ना, यानी कि डूबने जैसी हरकतें नजर आना, रोंगटे खड़े होना, रोंगटे मतलब ये जो बाल होते हैं ना, अच्छा, हाथों के ये खड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा सर्दी लगती है आपको, तो उस टाइम संवेग उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, डर हो जाता है, बहुत बार डर लगता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बहुत बार बोलते भी ना, तेरे रोंगटे खड़े हो गए, तेरे ये बात सुनते ही मेरे तो जमीन हिलने लग गई, नीचे से शरीर की नीचे से जमीन हिलने लग गई, ऐसी चीजें होने लग जाती है संवेग उत्पन्न होते ही। कोई ऐसी बात आपने सुन ली हो जो शॉक्ड हो गए आप, बिल्कुल शॉक्ड हो गए, तो एकदम से संवेग उत्पन्न हुए और आपके शारीरिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हुआ संवेगों के बारे में। अब कल की क्लास में ओनली, ज्यादा कल की क्लास भी ज्यादा नहीं रहेगी, संवेगों का जो संवेगात्मक सिद्धांत है वो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा और बहुत मजा आएगा। अब आप बहुत नॉर्मली समझ सकते हो, अगर मैं डायरेक्ट संवेगात्मक सिद्धांत पढ़ाता ना, तो आप पूछते कि संवेग क्या होते हैं सर, संवेगों के बारे में तो आपने बताया ही नहीं, तो ये मैंने सारी चीज आज क्लास में क्लियर कर दी, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी सभी को, धन्यवाद सभी को, सभी को क्लास अच्छी लगी, चलिए
क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी कल मिलते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, धन्यवाद।